नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज, जुर्म का पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ एसपी रावत और आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा भारतीय युवा जन कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने की सामाजिक कार्यों पर विचार विमर्श। सामाजिक कार्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो युवा, उक्त बातें प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने कही। भारतीय युवा जन कल्याण समिति के तत्वाधान में 14 जुलाई मंगलवार को गोरखपुर जिला इकाई कार्यकारिणी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वार्षिक बैठक कर विगत वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा तथा आगामी किए जाने वाले सामाजिक कार्यों पर विचार विमर्श किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा वार्षिक बैठक का आयोजन जिला गोरखपुर मंत्री अजय साहनी तथा संपर्क एवं सूचना प्रसारण मंत्री निखिल गुप्ता द्वारा किया गया। इस दौरान अध्यक्षता कर रहे मुख्य अतिथि संगठन संचालक व प्रदेश अध्यक्ष युवा समाज सेवी कुलदीप पांडे ने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वप्रथम समस्त कार्यकर्ता कोरोना वायरस के प्रति सतर्क रहते हुए अपने परिवार व समाज की रक्षा करें, तत्पश्चात समाज सेवा जैसे पुनित कार्यों में अपना सहयोग करते रहें। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने विगत वर्षों के कार्यों की कुशलतापूर्वक संपन्न होने पर प्रदेश उप सचिव आदित्य पांडे व जिला उपाध्यक्ष नितिन श्रीवास्तव को कुशल नेतृत्व के लिए बधाई दिया, आगामी सामाजिक कार्यों के क्रियान्वयन के लिए जानकारी दिया। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र व मोहल्लों के समस्याओं से अवगत कराया। संगठन के उद्देश्य अनुसार कार्यों के प्रति रणनीति तैयार की गई, जिसमें गोरखपुर, कुशीनगर, महाराज एवं संत कबीर नगर जिलों में आगामी माह से कोरोना की कुशल स्थिति को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा कैंप, युवा प्रतिभा सम्मान, स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, निःशुल्क भोजन, कपड़ा, पठन पाठन सामग्री का वितरण आदि कार्यों के क्रियान्वयन पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे, उप सचिव आदित्य पांडे, जिला उपाध्यक्ष नितिन श्रीवास्तव, जिला मंत्री अजय साहनी, सूचना एवं संपर्क मंत्री निखिल गुप्ता, सदस्य सचिदानंद साहनी, आकाश मौर्य आदि बहुत से लोगों डिजिटली बैठक में उपस्थित रहे। आइए देखते हैं इंडिया पावर न्यूज़ की एक रिपोर्ट।